राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से स्थानीय नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं किए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश में प्रस्तावित निकाय चुनाव की तारीखियों को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांगे और राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई, जबकि निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। खंडपीठ ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 2 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है। वहीं कोर्ट की अगली सुनवाई 1 नवम्बर को होनी है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता विपिन कथोला ने बताया कि निकाय चुनाव सरकार के संज्ञान में है और जल्दी धीमी धामी सरकार इस पर निर्णय लेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, सरकार के संज्ञान में और अभी कुछ दिन पहले तमाम नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो हमने जो समिति बनाई है जातिगत सीटों के चीजों को लेकर के, वो समितियां नगर निगम कोटद्वार में भी गई, नगर निगम ऋषिकेश में भी गई है, सभी जगह ओबीसी का निर्धारण हो, जातिगत चीजें सीटों का निर्धारण हो, इसके लिए काम चल रहा है और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सारी चीजें हैं। आने वाले समय पर इसकी भी सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय पर नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। निश्चित रूप से समय आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर निर्णय।